मेरा नाम है राजा जहीर वली। बुद्धा दी यशनी रिजोर्ट नपुरा नाला के ऊपर एक टूरिस्ट व्यू पॉइंट बना है। मैं इसका ऑनर हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। बुद्धा दी यशनी रिजोर्ट, जैसा कि आपने देखा कि मैंने दो नाम यहाँ पे मेंशन किए। यशनी जो है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक वेल नोन एक स्टोरी है जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान को भी पता है और बहुत सारे राइटर्स ने इस स्टोरी को अपने बुक्स में कोट भी किया है। उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि पुराने ज़माने में कहते हैं कि यशनी जो है वो एक चुड़ैल थी जिसको सिन्हा जमान में रूई कहा जाता है। वो इस नपुरा नाले की पहाड़ी के ऊपर गार के अंदर रहती थी। कि सुनने में ये आया है कि अगर कारगर नाला से दो बंदे आते थे तो एक को पूरा खा जाती थी और एक को आधा करके छोड़ती थी। अगर गजर से चार बंदे आते थे तो दो को खाती थी और दो को छोड़ती थी। मकामी जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। जैसा कि आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान सेंट्रल एशिया के गेटवे है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जब पैदा हुई तो उन्होंने जाके एक दयाल खमिटो को जिसके पास ये इल्म है, ये नॉलेज है जो चुड़ैलों को अपने काबू में कर सकता है, उसको जाके बताया गया। तो वो इस मकाम पर आया और उसने यहाँ पे आके थोड़ा सा करीब जाके कहते हैं कि उसने आवाज़ लगाई, ओ यशनी। जब उसने आवाज़ लगाई तो वो दरवाजे पे आई तो उसने कहा कि फला जगह मैंने आपके भाई को मारा है। तो इसने इस तरह सीने पे हाथ रखा तो उसने जादुई कील से पहला वार किया। उसके बाद उसने कहा मैंने आपके वालिद को भी मार दिया है। तो फिर उसने दूसरा हाथ ये अपने टांग पे रखा तो फिर उसने दूसरा कील लगाया। कहते हैं कि 13 कील लगा के इसको यहाँ पे कैद कर दिया। फिर मकामी लोगों को जमा करके उसने कहा कि आपने जब मैं मर जाऊँ तो आपने मुझे इसके पाँव तले दफनाना है वरना ये दोबारा ज़िंदा हो सकती है। हसब रिवायत जब वो मरा है तो उसको ला के यहाँ पर दफनाया गया। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि बुद्धा, महात्मा बुद्धा पूरी दुनिया के अंदर एक बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जो दुनिया की तीसरी बड़ी मजहब समझी जाती है। उसके फॉलोअर्स चौथी और पाँचवीं सदी ईस्वी में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वो आए। सुनने में यह आया है कि वाइट हुंस और रेड हुंस, जिनको हम मंगोल भी कहा जाता है, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया चाइना से। जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इन एरियाज का रुख किया और यहाँ पे आके जब उनको एक एरिया पीसफुल महसूस हुआ तो यहाँ पे उन्होंने मुस्तकिल तौर पर एक सेटलमेंट उन्होंने अपनी बनाई और यहाँ नपुरा नाले के ऊपर जिसे हम यशनी पिटो कहते हैं वहाँ पर उन्होंने घर बनाए और सातवीं सदी ईस्वी में कार्विंग करके उस बुद्धा का स्टैचू बनाया। इस बुद्धा का स्टैचू को बनाने का मकसद ये था कि वो इनकी इबादत कर सके। जैसा कि आपको मालूम है कि बुद्धा जो है उनके डिफरेंट पोजेस है, मेडिटेशन पोज है, प्रीचिंग पोज है, टीचिंग पोज है और ब्लेसिंग पोज है जिसे बुद्धिस्तावा मैत्रीय पोज कहते हैं, जो नपुरा नाला के ऊपर है। आप भी मैंने मकामी सतह पर जितने भी बुद्धिस्ट हैं जिनको इस चीज़ का पता है वो यहाँ पे आते हैं और बाकायदा इसकी इबादत भी करते हैं। नपुरा बसीन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी बनी है उसका मैं खुद हेड हूँ। हमने यहाँ पे टूरिस्ट को आने वाले जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं उनको हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। उनको बेहतरीन माहौल देने के लिए हम अपने खदमात सर अंजाम देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2020 में बनाई गई है। उसके लिए मैं हम भी उसका भी इंतहाई मशहूर हूँ। उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया इसको उजागर करने में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सरीना से लेके बुद्धा तक ट्रैक है और बुद्धा से लेके आगे कारगा हिचरी जो ट्राउट फिश फार्म है वहाँ तक भी ट्रैक है। उसके अलावा दो यहाँ पे नाले हैं, एक नपुरा नाला है और दूसरा कारगा नाला है। उसके अंदर यहाँ पे हम ट्राउट फिश, चाय, चिप्स और दिगर फैसिलिटीज़ भी देते हैं। रिहाइश के लिए वहाँ पास होटल भी हैं। उसके बाद आप गिलगित शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे पास चश्मे का पानी है, साफ़ सुथरा पानी, और इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे टूरिस्ट नपुरा नाले की तरफ रुख करते हैं और हमारे पास यहाँ आते हैं।